हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है स्टॉक शिक्षक। दोस्तों, हम लोग आज सीखने जा रहे हैं कि आप जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जो भी प्राइस एक्शन के पैटर्न्स आप लोग ड्रॉ करते हैं या जो भी चीज़ें आप ड्रॉ करते हैं, चार्ट्स जो ड्रॉ करते हैं, वो ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका कौन सा है, सबसे ज़्यादा फीचर्स फ्री में जहाँ पर मिलते हैं, सबसे आसान तरीके से कौन से प्लेटफॉर्म पर हम लोग चार्ट्स ड्रॉ कर सकते हैं, कौन कौन से फीचर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये सब आज मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को पहले लाइक कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन पे आपका क्लिक कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म की, ये tradingview.com हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है मेरे हिसाब से चार्ट्स ड्रॉ करने के लिए, टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। सो, कैसे ये यूजफुल है हम लोग देखेंगे। तो जैसे आप ट्रेडिंग व्यू को ओपन करेंगे तो इस तरह से ये ओपन होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे जाके आपका प्रोफाइल लॉगिन करना पड़ेगा। आप दोनों तरीके से लॉगिन कर सकते हैं, एक तो फ्री अकाउंट भी आप लोग यूज कर सकते हैं या फिर पेड सब्सक्रिप्शन भी आप इसका ले सकते हैं। फ्री अकाउंट में कुछ लिमिटेशंस है लेकिन फिर भी वो यूजफुल है, सफिशियंट है। जो लोग सिर्फ प्राइस एक्शन पे बेस्ड ट्रेड्स करते हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट है। फ्री अकाउंट पे आपको पेपर ट्रेडिंग का भी यहाँ पे ऑप्शन है, जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो यहाँ पे बनाऊंगा जरूर आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार यहाँ पे लॉगिन हो जाने के बाद आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं चार्ट। चार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से चार्ट यहाँ पे ओपन होता है। तो ये तो मैं सबसे पहले सब कुछ रिमूव कर देता हूँ, ड्राइंग्स एंड इंडिकेटर सब यहाँ से रिमूव कर दूंगा। अगर आपको यहाँ पे जो कैंडल स्टिक्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं, टाइम फ्रेम आप सिलेक्शन कर सकते हैं यहाँ से। अभी मैं अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9 बजे मार्केट मेरा ओपन होता है। ये 5 तारीख को 9:15 पर यहाँ पे मेरा मार्केट ओपन होता है। यहाँ पे नीचे अगर टाइम आपका रॉन्ग दिखा रहा है तो आपको यहाँ पे जाके टाइम जोन चेंज करना है। दोस्तों, जो इंडिया का टाइम जोन है वो UTC+5:30 का है, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये देखने को मिलेगा। राइट, देखिए, आप अगर पेड सब्सक्रिप्शन लेंगे तो पहले 30 डे फ्री ट्रायल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नहीं लेना है, नहीं अगर आप पे करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं ये कैंडलस्टिक चार्ट इस तरह से ओपन हो रहा है। काफ़ी सारे लोग जो बैकग्राउंड है वो यूज़ करते हैं लाइट वाला, सो मैं भी अभी लाइट वाला यूज़ करूँगा आपके लिए। ये लाइट वाला बैकग्राउंड हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ये साइड में जो है कुछ यहाँ पे टूल्स है, ये एक्चुअली टूल्स में इसे कहूँगा, ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है जो वेबसाइट से रिलेटेड चीज़ें हैं उससे, लेकिन बेटर चीज़ें जो ये है ये इस साइड में आपको देखने को मिलेंगे। तो ऊपर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट का नाम देखने को मिलेगा, आपको जो भी स्क्रिप्ट ओपन करना है आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं निफ्टी अगर टाइप करूँगा तो ये निफ्टी 50 मेरा ओपन हो रहा है, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ऑप्शंस के चार्ट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, स्क्रिप्ट्स के चार्ट आपको सभी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दूसरी एक चीज़, यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस है जो इस वेबसाइट से रिलेटेड है। डार्क कलर थीम, लाइट कलर थीम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ड्रॉ पैनल, ये लेफ्ट साइड वाला आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और लेआउट आप ऑटो सेव भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये ऑटो सेव का ऑप्शन है लेआउट का, यहाँ से वो हो जाता है। स्क्रिप्ट पे क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे ये अर्थ का जो है वो अगर सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट एक्सचेंज, सो आप यहाँ से जो ग्लोबल एक्सचेंज है सब यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा NSE MCX, यहाँ पे आप BSE NSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, ये आप तीनों यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर ऑल पे रख के भी आप यहाँ पे ऑल एक्सचेंजेस पे रख के भी चेक कर सकते हैं। बस आपको स्क्रिप्ट का नाम पता रहना चाहिए जिसका आपको टाइप करना है यहाँ पे इस तरह से। राइट, अभी हम निफ्टी में देख रहे हैं 5 मिनट का कैंडल स्टिक आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है कैंडल स्टिक के डिफरेंट चार्ट्स है, जैसे कैंडल से, हॉलो कैंडल से, कुछ लोग हाइकनशी भी यूज़ करते हैं, तो ये हाइकनशी चार्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाइकनशी भी होता है, यूजफुल होता है, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए ज़रूर। और ये जो नॉर्मल हमारे कैंडल स्टिक है ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। जो लोग कैंडल स्टिक क्या होता है ये सीखना चाहते हैं तो आप इसका मेरा जो फर्स्ट वीडियो वो देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, पहला जो वीडियो उसका लिंक मैंने वहाँ पे दिया, आप वो भी देख सकते हैं कि कैंडल कैसे बनता है, मैंने वहाँ पे वो एक्सप्लेन किया है। अभी हम लोग इंडिकेटर्स में अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सभी जो बेसिक इंडिकेटर्स है सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फेवरेट्स में जो है हम लोग ऐड कर सकते हैं कि कुछ मेरे जो मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ वो यहाँ पे रख सकते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी में जो स्क्रिप्ट्स इंडिकेटर्स जो है, ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर्स जिन्हें कहा जाता है, वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ये वॉल्यूम फ्लो इंडिकेटर पे मैं क्लिक करूँगा, लेजी बियर का ये ऑथर है, तो यहाँ पे देखिए नीचे एक इंडिकेटर ऐड हो रहा है धीरे धीरे। ये यहाँ पे वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि निफ्टी में जो है वो
आपका वॉल्यूम नहीं दिखाएगा क्योंकि निफ्टी एक इंडेक्स है। तो इसको मैं स्टॉक कवर करूंगा, देखिए मैंने रिलायंस स्टॉक जैसे ओपन किया तो ये वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर किसी का ओपन हो चुका है। ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स है, थाउजेंड्स में इंडिकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल है। जो जनरल इंडिकेटर्स हम लोग यूज करते हैं, माई स्क्रिप्ट, खुद की अगर कुछ स्क्रिप्ट है तो आप वो भी यहाँ पे सेव कर सकते हैं, या फिर जो बिल्ट इन है नॉर्मल जो ये होते हैं हर प्लेटफॉर्म में, ये बिल्ट इन में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे वॉल्यूम है, RSI होता है तो आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, मूविंग एवरेजेस टाइप है, वेटेड है, एक्सपोनेंशियल है, नॉर्मल है, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। ये एक्सपोनेंशियल पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा मूविंग एवरेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन ऐड हो चुका है, इसका वैल्यू मुझे चेंज करना है तो यहाँ पे जाके मैं सेटिंग्स पे क्लिक करूँगा तो ये वैल्यू मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। 25 अगर मैं कर देता हूँ तो ये चेंज हो जाएगा। फ्री अकाउंट में दोस्तों तीन इंडिकेटर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं एट ए टाइम। तो मूविंग एवरेज में अगर और दो को यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करूँगा तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन थर्ड वाला ऐड नहीं होगा। ये देखिए सेकंड, ये थर्ड वाला ऐड हो चुका है, सॉरी फोर्थ वाला ऐड नहीं होगा। जैसे देखिए मैंने फोर्थ पे क्लिक किया, मोर इंडिकेटर्स मोर ट्रेडिंग पॉसिबिलिटीज, सो इट नीड्स पेड वर्जन ऑफ ट्रेडिंग व्यू टू ऐड मोर देन टू इंडिकेटर्स। सो यहाँ पे तीन मूविंग एवरेजेस में यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, या तीन कोई भी इंडिकेटर्स में ऐड कर सकता हूँ। सो ये हो गए इंडिकेटर्स के बारे में जानकारी यहाँ पे आप लोग, और काफ़ी सारे इंडिकेटर्स है, बॉलिंजर बैंड्स है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। देखिए बॉलिंजर बैंड्स यहाँ पे कलर्स आपको इसके चेंज करने, सेटिंग्स पे जाइए, ये वैल्यूज के बाद स्टाइल में जाएंगे तो इसके कलर्स आप लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए मिडिल लाइन मैंने ऑरेंज कर दिया, और आउटर लाइन जो है इसको मैं ब्लू करता हूँ, देखिए आउटर लाइन ब्लू हो गया, और जो लोअर वाला है उसका भी आउटर मैं ब्लू कर दूंगा, ये ब्लू हो गया, और जो बैकग्राउंड है मतलब ये जो फिल हो रहा है एरिया, इसको हम चाहे तो देखिए मैं वो ये पिंक कर देता हूँ, ये पिंक हो गया। ओपेसिटी इसका नीचे से हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। सो काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। ड्राइंग टूल सबसे बेटर इसमें है, ये पहले तो कर्सर जो क्रॉस में ये मूव कर रहा हूँ ये वाला, इसको मैं डॉट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये डॉट बन जाता है, या फिर एरो, या फिर सीधा इरेजर, तो मैं इसको क्रॉस पे रखना पसंद करूँगा। और ड्राइंग्स ये बेसिक ड्राइंग्स देखिए, ट्रेंड लाइंस है, जैसे कि हम लोग कुछ ट्रेंड लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करके पहले मैं इंडिकेटर निकाल देता हूँ। ये देखिए इस तरह से ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, इसको आप मूव कर सकते हैं, आफ्टर दैट वर्टिकल लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है, सपोर्ट पे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, रेजिस्टेंस पे मुझे ड्रॉ करना है, मैं अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन लूँगा, यहाँ से कलर चेंज करके इसको रेड कर दूंगा, यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा, ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस। आप बाद में भी कलर चेंज कर सकते हैं, इसको क्लिक करके इसके कलर आप चाहिए तब चेंज कर सकते हैं। लाइन का जो स्टाइल है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, देखिए यहाँ से तीन स्टाइल है, प्लेन लाइन है, मीडियम डॉटेड एंड एक डैश लाइंस। सो इसको मैं डॉटेड में रख सकता हूँ। इसका वेटेज आप चेंज कर सकते हैं, लाइन पतला मोटा कलर यहाँ से हो जाता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, आप क्रॉसओवर के लिए इस पर एक अलार्म भी सेट कर सकते हैं, फ्री वर्जन में एक अलर्ट आप लगा सकते हैं, जैसे कि इसको अगर ये क्रॉस करेगा, इसको ओपन एंडेड रख के मैं छोड़ दूंगा, ओके ये नहीं हो सकता है, ये यहाँ से हाँ एक्सपायरेशन टाइम ये यहाँ पे आपको डालना है और क्रिएट कर देना है। तो जैसे आप क्रिएट करेंगे तो जब भी ये स्टॉक, ये देखिए यहाँ पे मेरा अलर्ट ऐड हो चुका है, जब भी ये स्टॉक इसको क्रॉस करेगा आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। सिर्फ एक प्रॉब्लम ये है कि आपका बेसिक जो वर्जन है, अनपेड वर्जन है, फ्री वर्जन, उसमें सिर्फ एक ही अलर्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं सभी ड्राइंग्स को रिमूव कर दूंगा। आप यहाँ पे देखिए चेक कीजिए, काफ़ी सारे लाइंस है, पैरेलल चैनल अगर मुझे ड्रॉ करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको पैरेलल चैनल यहाँ पे समझता हूँ, तो मैं इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। लाइन का कलर मुझे चेंज करना पड़ेगा ब्लैक में, तो दिखेगा, ये देखिए विजिबल है, राइट। सो ये होता है पैरेलल चैनल, यहाँ से आप वो भी ड्रॉ कर सकते हैं। कोई फ्लैट टॉप बॉटम है, जैसे ये है, इस तरह से आप इसको रेंज में, वाइड रेंज में आप इसको चेंज कर सकते हैं, देखिए इस तरह से, जैसे ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो ये इसी तरह का एक इंडिकेटर। तो इस तरह से आप ये जो पैटर्न्स आप ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, इनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं जैसे आप चाहे, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से। कुछ टूल्स और हम लोग देखेंगे कि कौन से इसमें है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको निकाल देता हूँ, रिसेट चार्ट कर देता हूँ, ड्राइंग्स निकाल देता हूँ। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो लाइंस में मैंने अभी आपको दिखाया, इतने सारे ऑप्शंस है ऑलरेडी, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइंस, उसके नीचे कुछ पैटर्न्स है, ये पैटर्न्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न्स है जो कुछ एडवांस लेवल के टेक्निकल एनालिसिस है उसमें यूज़ किए जाते हैं। गैनबॉक्स है, उसके बाद आपका फिबोनाची है, ये देखो फिब रिट्रेसमेंट सब यहाँ पे दिया गया है, स्पाइरल है, सर्कल्स है फिब का, पिच फैन करके है, पिच फॉर्क है, ये काफ़ी एडवांस लेवल के, काफ़ी कम लोग इसे यूज़ करते हैं एक्चुअली। सो लेकिन यहाँ पे वो भी अवेलेबल है। ड्राइंग टूल्स में आप ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आपको कोई रेक्टेंगल ड्रॉ करना है पर्टिकुलर एरिया में, अभी इसका जो कलर है मैं चेंज कर सकता हूँ, येलो कर सकता हूँ, उसका ट्रांसपेरेंसी ओपेसिटी में कम ज़्यादा कर सकता हूँ, जैसे मैंने अभी थोड़ा कम कर दिया यहाँ पे इसको, एक मिनट, ओके ये बैकग्राउंड में चला गया, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसको निकाल देता हूँ।
रिमूव ड्राइंग्स। हाँ, तो यहाँ से आप वो सब चीज़ें कर सकते हो जैसे आप चाहते हो, उस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हो। देखिए मैं इसका ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ, तो इसको मैं मूव भी कर सकता हूँ उस हिसाब से, ये देखिए राइट। तो यहाँ से आप वो जो ड्राइंग टूल्स है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। कर्व है, आर्क है, उसके नीचे एक टेक्स्ट का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यू कैन यूज़ टेक्सचुअल ऑप्शंस, लाइक मुझे अगर यहाँ पे मेंशन करना है हायर हाई, सो मैं यहाँ पे इस तरह से हायर हाई टाइप करूँगा, ये टेक्स्ट मेरा यहाँ पे आ जाएगा। इसका कलर अभी व्हाइट, इसकी वजह से वो दिख नहीं रहा, मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप इसको टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा कुछ पैटर्न है, प्राइस एक्शन के पैटर्न, इलेट वेव और बाकी के जो पैटर्न है, जैसे हेड एंड शोल्डर है, ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है वैसे, नहीं तो हम ड्रॉ करके देख सकते थे। एक मिनट में ट्राई करता हूँ, अगर कुछ मिल जाता है ड्रॉ करके दिखाने लायक हेड एंड शोल्डर। हाँ ठीक है, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ मतलब, बट ओके ओके है, जैसा मुझे चाहिए उस तरीके का पैटर्न मुझे नहीं दिख रहा है कहीं पे। तो चलिए यहाँ पे मैं सिर्फ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हैं ड्रॉ। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर सिलेक्ट करना, ये पहला पॉइंट लेफ्ट शोल्डर, और ये इसका सॉरी यहाँ से लेके ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, फिर यहाँ पे ये इसका हेड हो गया, फिर यहाँ पे ये राइट शोल्डर हो गया। तो कुछ इस तरीके से ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं फॉर बोथ दी पर्पस। इन्वर्टेड भी आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, और ऐसे काफ़ी सारे टूल्स है जो यहाँ पे आप यूटिलाइज करके सीखने के बाद ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद जो जोन है, पोजिशन हमें लेनी है, तो पोजिशन अगर सपोज मुझे यहाँ पे एंट्री लेनी है तो लॉन्ग पोजिशन में यहाँ पे लॉन्ग पोजिशन लेने चाहता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरा स्टॉप लॉस का लेवल रहेगा ये वाला नीचे का लाइन, और ये मेरा टारगेट अगर मैं जो भी रखता हूँ तो यहाँ पे, तो मुझे मैं यहाँ पे मॉनिटर कर सकता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस 9 पॉइंट का है, टारगेट मेरा 22 पॉइंट समथिंग है, तो 1:2.55 का रिस्क रिवर्ड रेशो यहाँ पे मेंटेन होता हुआ। और हम लोग मॉनिटर भी कर सकते हैं क्या वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सो इसलिए ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये लॉन्ग पोजिशन हुआ, शॉर्ट पोजिशन अगर जैसे मैं हेड एंड शोल्डर इस करके यहाँ पे सेल आउट करता था तो ये मैं रखता था स्टॉप लॉस, और टारगेट मेरा मैं रखता था 1:1, तो 1:1 का टारगेट मेरा यहाँ पे अचीव होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये जो डार्क ग्रीन जोन बन जाता है इसके अंदर भी, तो ये बताता है कि यहाँ पे आपका टारगेट अचीव हुआ है। तो ये काफ़ी सारे टूल्स है जो प्राइस एक्शन में यूज़ होते हैं या जनरल जो भी इंडिकेटर्स में यूज़ होते हैं वो यहाँ पे ये सब अवेलेबल है। मुझे जस्ट स्केल आउट करना है कि कितने पॉइंट का मूवमेंट है, तो सिंपली मैं ये स्केल पकड़ के मूवमेंट देखिए 56.85.3.77% का मूव टाइटन का, यहाँ पे ये स्केल आप यूटिलाइज करके कर सकते हैं। ये जूम इन करना है आपको, ये जूम इन भी कर सकते हैं, ये आप स्क्रोल से भी डायरेक्टली रोटेट कर सकते हैं। तो ये भी एक कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स है। यहाँ पे दूसरे कुछ फाइनेंशियल्स टूल्स है, ये मैं आपको एडवांस जब कोई वीडियो बनेगा तब बताऊंगा। टेम्पलेट्स में भी आप टेम्पलेट सेट कर सकते हैं। अभी के लिए इतने टूल्स जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप इसको यूटिलाइज करके पेपर ट्रेड कैसे कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग के लिए कोई अच्छा प्लेटफॉर्म, काफी सारे लोग पूछते हैं सर पेपर ट्रेडिंग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है, सो दिस इज ऑल्सो वन गुड प्लेटफॉर्म। इसका डिटेल वीडियो पेपर ट्रेडिंग का आपको जल्दी मिल जाएगा हमारे चैनल पे। सो गाइज, सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया गया। थैंक यू।